हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में भी अवैध शराब का कारोबार करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने आज दिनारपुर फूटाकुआ के पास से कच्ची शराब बनाने के उपकरण सहित लहन बरामद किया है। 25 मई मंगलवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनारपुर फूटाकुआ नाले पर आबकारी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। नाले के पास से एक स्थान पर 12 ड्रम में लगभग 3,000 लीटर लहन बरामद की गई, जिन उपकरणों के साथ लहन को पुलिस व आबकारी के सिपाहियों ने नष्ट कर दिया। साथ ही शराब के अज्ञात कारोबारियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कार्रवाई के दौरान टीम में आबकारी निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, उप आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र उनियाल, प्रधान आबकारी सिपाही संजीव कुमार, आबकारी सिपाही कमलेश तथा अमित और मनोज मौजूद रहे। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनारपुर फूटा कुआं नाले पर अवैध मदिरा निष्कर्षण हेतु लहन डाला गया है। सूचना के आधार पर तत्काल एक टीम का गठन किया गया और फूटा कुआं नाले की कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान एक स्थान पर 12 ड्रमों में लगभग 3,000 केजी लहन और शराब बनाने के उपकरण प्राप्त हुए। लहन तथा शराब बनाने के उपकरणों को तत्काल मौके पर नष्ट कर अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। ये सूचनाएं लगातार मिल रही हैं कि अवैध मदिरा निकाली जा रही है इन क्षेत्रों में। हरिद्वार से सनी वर्मा की रिपोर्ट।